सूबे विच भगवंत मान की सरकार आने तो बाद मावां ने सोचा सी कि नशियां ते लगाम लग जाएगी तो नौजवानी जड़ी मौत के मूँह विच पै रही है वह बच जाएगी। लोगों को की पता सी कि मावां दे पुत एवें ही मारे ने। पुलिस के नेड़े पैंदे पिंड तो भी एक अजिहा मामला सामने आया जिथे नशे की ओवरडोज करके नौजवान की मौत हो गई, जिस तो बाद पिंड विच भारी रोस पाया जा रहा है। पिंड वासियों का कहना है कि इस तो पहला भी कई मुंडे मौत के मूँह जा पे ने, पर प्रशासन वालों कुछ नहीं किया जा रहा। उन्हों का कहना है कि पिंड के जट जमींदार इन मुंडे को हट तोड़ में मेहनत करवाते हैं तो तनखा के नाते इन्हों कुटमार की जाती है, इन्हों नशे की ओवरडोज दी जाती। मृतक नौजवान के परिवारक मैंबर का भी यही कहना है कि नौजवान की जमींदार वालों कुटमार की गई और उसनों नशे की ओवरडोज दी गई, जिसके चलते जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसनों हस्पताल लेके गए जिथे तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो पिंड च बीटा ही कहें ज्यादा जी। मेरा नाम लवप्रीत सिंह है जी। गल सर वो कम दे लगा ही डेढ़ साल हो गए कम करते वो तो सर ना कोई पैसा देंदा जी, सिर्फ नशा ही कराते जी, नशे के कम के ला छना तो दुपहरे ही उन्हें पट्ठे पढ़ाई होते रहना घरों सद के लै जाते ही तो सर ओवरडोज देंदे रहे जी, तीन तीन गोलियां टीके भी लाते रहे सर, तो सर ज़्यादा जो कुटमार की तो घर छड गए, उस तो बाद सर ज़्यादा बीमार ढिला हो गया, अं हॉस्पिटल खड़िया उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा सर चार दिन ही इदा ही भज भजते रहे तो पंजे दिन सर पूरा हो गया। हाँ जी कौन बंदे बंदे सर वो जिमीदार है जट है सर, वो एक का ना गोपी है तो एक ना हैप्पी है जी। चार पाँच दिन पहला ये मुंडा जोड़ा वा ये मतलब उन्होंने जिमीदार के घर जाता ही, उन्होंने नाल काम कार भी करवाता ही, तो अज मतलब जोड़ा वा वो यदि डैथ हो गई है नशे के कारण, मतलब यदि डैथ हुई है तो दो तीन मौत जड़ियाँ अगे भी तकरीबन साढ़े पिंड नशे के कारण ही हो गई वा, तो ये जी डैथ नशे के कारण हुई है तो एक उन्होंने कुटमार भी पहला नशा केंद्र आ भी खवाया वा उन्होंने, इनू नशा दिता वा उस बाद कुटमार की है, कुटमार करन तो बाद जड़ा वा वो एक घरे इत छड गए ये परिवार वाले जड़े उन्होंने हस्पताल लैके गए आ, तो हस्पताल इलाज उलूज कराया इन्होंने बेचारे ने जिन्हें के जोगे है, गरीब परिवार आ पैसे भी नहीं लाने जोगे है घरों भी ये बेचारे जाते हो ना भी कोई मतलब पैसे लाने जोगे हो, फिर भी है भी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार आ, तो पैसे भी इन्हों के कहने मुताबिक है भी साल डेढ़ साल हो गया कोई पैसा भी नहीं दिता इन्होंने, मतलब जिथे काम करता ही तो नशा दे के ही कहें भी काम जोड़ा वा वो कराते ही, तो यदि जी अज कुटमार के कारण कहें भी डैथ हो गई है, तो इन्हों इंसाफ जोड़ा मिलना चाहिए क्योंकि आपको पता वा वेखन रहे भी नशे के कारण जी कि बुरी हालत हुई पई है, तो साढ़े पिंड की भी जी यो ही मंग आ संगत वेख लो कि खलोती है सारी संगत की ये मंग आ, जिने लोग बड़े तंग आ नशे तो भी बच्चे लोगों के जोड़े आ नशे के कारण मर रहे आ, तीजी चौथी मौत जी साढ़े पिंड ही हो गई है 15 दिन के ना बीटा बीटा इनू कहते ही पिंड ना मनप्रीत मनप्रीत ये बाप का ना जीवन सिंह आ जून उन्हों का ना जोड़ा वा वो एक गोपी है एक हैप्पी है तो सुखचैन सिंह उन्होंने डैडी का नाम जट जिमीदार चलो इन्हों की जी इनकी मतलब मंग आ भी इन इंसाफ होना चाहिए वा जिदा भी हो सके इन्हों इंसाफ होना चाहिए कार्रवाई जी होनी चाहिए, पुलिस मौके पर पुजी है पर पुलिस तुम्हें पता ही है पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस के कारण कोई भी नहीं आख लो तुम आ संगत वेख लो की कह रही है संगत जी संगत यो कहती है भी मतलब तुम पता पुलिस अचक रिश्वत लैके तो जी इंसाफ करती नहीं गी, तो ये आप सारे पता ही है भी जो पुलिस करती होंगी है जे तो मतलब पुलिस कोई कार्रवाई करूगी तो संगत जी कहती है भी अं लाश त चुकन देनी है, जे नहीं तो हो सकता वा भी ये जी लाश है ये सवेरे थाने के बूहेगढ़ जाऊगी तो उतों जो इन्हों इंसाफ परिवार को मिलेगा तो लाश चुकी जाऊगी, नहीं तो लाश जी भावें 10 दिन रखनी पवे 10 दिन ही हो सकता भी लाश इदा ही रहे तो चुकी नहीं जाऊगी लाश, उन्होंने चाहे संस्कार नहीं होगा ये संगत जी। 15 तरीक तो मेरा भी लड़का इस तरह ही यो चीज़ इस तरह ही मौत हुई मेरे बच्चे की, अजे तक मैं कोई इंसाफ नहीं मिले, पुलिस के मैं तरले भी कट के अगर दोषी बाहर घूम रहे कोई इन्हें अरैसट नहीं किया, एक बंदा अरैसट किया वा
ਜਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਏ। ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਰਦੀ, ਸੋਚਦੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਵਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਉਹ? ਜੱਟ ਜਿਮੀਦਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰੀਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੀਆਂਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।